नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। मसूरी में टैक्सी संचालकों का प्रदर्शन। ओला और उबर कंपनी को मसूरी में टैक्सी संचालन के लिए अनुमति मिलने पर किया विरोध। पर्यटन नगरी मसूरी में मसूरी टैक्सी एसोसिएशन द्वारा ओला और उबर कंपनी को मसूरी में टैक्सी संचालन के लिए अनुमति मिलने का भारी विरोध दर्ज किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मसूरी में इन कंपनियों की तरह संचालित की जाएगी तो यहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनको अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए पलायन करना पड़ जाएगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह मुझे समाचार पत्र के माध्यम से पता चला है कि ओला उबर को यहाँ पे परमिशन दी गई है, जो कि 3-4 वर्षों से पहले से भी चल रहा था, मगर मैंने 2 बार में पहले मुख्यमंत्री जी से इसको रुकवा के आ गया था। पहले एक बार हरीश रावत जी के टाइम पे भी मैंने रुकवाया था, फिर उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे भी उनको परमिशन मिल रही, तब भी मैं गया था तो उस टाइम भी त्रिवेंद्र रावत जी ने रोक लिया था। और पिछले साल 2021 में भी इसकी एक बार इसकी थोड़ी सुगबुगाहट चल रही थी तो मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास गया था, तब भी ये रुक गया था, परंतु कल इन्होंने मुख्यालय में इसको अनुमति दे दी है। मैं इसका पूरा विरोध कर रहा हूँ और कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ और परिवहन मंत्री जी पे इसका विरोध करने के लिए। कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा ओला उबर से, क्योंकि यहाँ काफ़ी टैक्सी है। बिल्कुल, हमारे सारे लोग इससे तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि एक बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी का अगर संचालन होगा तो जितने भी उत्तराखंड की यूनियन है ये सारी अपने इसमें बेरोजगारी के कगार पे आ जाएंगे। बारिश के बाद भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे बंद, जगह जगह फंसे यात्री, ट्रैफिक भी किया गया डाइवर्ट। उत्तराखंड में हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही है। बारिश के बाद भूस्खलन से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यात्री जगह जगह फंस गए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान नगुड़ बाईपास के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ है, जिससे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के दोनों ओर कांवड़ियों व अन्य लोगों के वाहन जाम में फंस गए हैं। सूचना के बाद बीआरओ की टीम मार्ग खोलने के लिए रवाना हो गई है। बंद सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन खराब मौसम और पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नोडल एजेंसी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर फिर से जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही है भाजपा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर या गलत तरीके से दबाव बनाकर भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस से एकजुट रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठा रही है। मसूरी में नालों को किया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त, जलभराव के चलते की गई कार्यवाही। मसूरी में अतिक्रमण अभियान के तहत जहां शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया, उसके बाद अब शहर में नाले खालों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में नाले खाले बंद होने से सारा पानी सड़कों पर आ जाता था, जिसके कारण राहगीरों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिस पर एक्शन लेते हुए शहर के सभी नालों की सफाई के साथ साथ अतिक्रमण पर भी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। तैयारियां हैं शहर के विकास को लेकर। देखिए, आज से नगर पालिका ने एक अभियान चलाया है, जितने भी शहर में नाले हैं जो इनमें सारा पानी जाता था, तो लगातार कई जगह से शिकायतें आ रही थी कि ये नाले बंद कर दिए गए हैं या उस पर अतिक्रमण कर दिया गया है या किसी ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन उस नाले पे कर दिया, तो उसके मद्देनज़र नगर पालिका ने एक अभियान चलाया है जिसमें शहर के जितने भी सार्वजनिक नाले हैं, क्योंकि इन नालों के बंद होने से हमारे शहर की सड़कों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। पैदल चलने वाले जितने स्कूली बच्चे हैं, पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और पर्यावरण के लिए भी इसलिए नुकसान था कि काफ़ी जगह जो जमीन है उसका कटान हो रहा था, कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे थे। तो आज ये अभियान पालिका ने चलाया है और जितने भी नालों में अतिक्रमण है, मैं तो कहूँगा जितने भी स्थानीय लोग हैं वो हमें सूचित करें, अगर कहीं से सूचना मिलती है कि नाले में अतिक्रमण है वो हमें बताएं और पालिका और नाले खुलवाने का काम करेगी। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे बड़े से बड़ा होटल हो या छोटे होटल हो या जिस इंसान ने भी नालों पर अतिक्रमण किया है उसको नालों से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अजय जी, पहले देखा गया है कि जो शहर के जो नाले खाले थे, करोड़ों रुपये लगाया गया था इसमें नाले खालों को ठीक करने में,
उसके बावजूद भी आज जो है उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। देखिए, पहले से एक प्रथा है यहाँ पे नाले बनाने की। खैर, वर्तमान भूमि में तो हमने बहुत कम नाले, अति आवश्यक कोई नाला होगा तो वही बनाया होगा, नहीं तो हमने किसी प्रकार का कोई नाला नहीं बनाया है। और जितने भी नाले शहर में है, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम की ये ड्रेनेज सिस्टम बनी हुई है पूरे शहर में, और अगर इस ड्रेनेज सिस्टम को हम इफेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान होता है। सड़कें हमारी टूटती है, कई जगह लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो हम उसको पुराने स्वरूप में लेना चाहेंगे। और इस क्रम में हमने भी लिंडौर रोड से शुरू किया है कि लिंडौर रोड से आज हम शुरुआत करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें शिकायतें आएंगी कि नालों पर अतिक्रमण या नाले बंद कर दें, हम उन नालों को खुलवाने का कार्य करेंगे। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।